नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है इथोपिया गृह युद्ध की तरफ अग्रसर। अफ्रीका महाद्वीप का देश इथोपिया पिछले एक महीने से लगातार गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। वहां के उत्तरी राज्य टिग्रे में क्षेत्रीय सेना और इथोपियाई सेना में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ के 3 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से संघर्ष को रोकने पर बातचीत करने गए थे, लेकिन अबी अहमद ने मध्यस्थता के प्रयासों को खारिज कर दिया है और कहा है कि टिग्रे प्रांत के नेताओं को आत्मसमर्पण के लिए दी गई 72 घंटे की समय सीमा अब समाप्त हो गई है और सेना को टिग्रे की राजधानी मेकेले पर कब्जा करने का आदेश दे दिया गया है। वहां के 5 लाख नागरिकों को घर में ही सुरक्षित रहने को कहा गया है। इस वर्ष नवंबर की शुरुआत में टिग्रे क्षेत्र में सेना के एक शिविर पर हमले के बाद इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने विवादित टिग्रे क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही के आदेश दिए थे। सैन्य कार्यवाही की बात सुनते ही टिग्रे क्षेत्र की मुख्य राजनीतिक पार्टी टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF ने अपने सुरक्षा बलों को उत्तरी कमांड सैन्य चौकी पर कब्जे का आदेश दे दिया, जिससे स्थानीय सैनिकों ने वहां तैनात लोगों से हथियार छीनकर उन्हें बंदी बना लिया। तब से यह लड़ाई जारी है और धीरे धीरे गृह युद्ध का रूप ले रही है। हालांकि प्रधानमंत्री अबी अहमद का दावा है कि उनकी सेना ने पश्चिमी टिग्रे क्षेत्र के कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और आसमारा सीमावर्ती क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। अब तक सैकड़ों सैनिक और हजारों नागरिकों की मौत इस संघर्ष में हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि हिंसा की चपेट में पूरा देश आ सकता है। इस युद्ध का असर इसके पड़ोसी देशों पर भी हो रहा है। TPLF के लड़ाकों द्वारा पड़ोसी देश इरिट्रिया की राजधानी आसमारा तक रॉकेट दागे जा रहे हैं। इनका कहना है कि इरिट्रिया भी अबी अहमद का साथ दे रहा है। गौरतलब है कि इथोपिया पर पिछले 27 सालों तक टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने शासन किया था, लेकिन इनके शासन काल में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और सरकार विरोधियों पर अत्याचार हुए थे। इस कारण TPLF की सरकार को हटाकर अबी अहमद को सत्ता में लाया गया था। टिग्रे इथोपिया के स्वायत्त क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने कोविड महामारी के कारण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनावों पर रोक लगा दिया था। इसके विरोध में टिग्रे के TPLF ने क्षेत्रीय चुनाव करवा लिए, जिसमें सभी सीटों पर इनकी जीत हुई। इसकी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव को अवैध घोषित करते हुए क्षेत्रीय सरकार को नकार दिया है। टिग्रे इथोपिया का एक छोटा भूभाग है, जिसकी जनसंख्या देश की मात्र 6% है। यह युद्ध सिर्फ यहाँ की स्वायत्तता के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इथोपिया के आर्थिक स्रोतों के लिए हो रहा है, जिससे वहां लगातार शासन किया जा सके। टिग्रे लिबरेशन फ्रंट ने लंबे समय तक शासन आर्थिक स्रोतों और विदेशी अनुदान को कब्जे में लेकर ही किया था और एक बार फिर वो इसी कोशिश में लगे हैं, जबकि अबी अहमद इसको बचाने की कोशिश में ज्यादा हिंसा का सहारा ले रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद जब 2018 में सत्तारूढ़ हुए थे, तब उन्होंने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ लंबे युद्ध को समाप्त कर तेजी से शांति व्यवस्था को बहाल किया था। इनके शांति बहाली के सार्थक प्रयासों के लिए वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर उनकी हिंसात्मक प्रतिक्रिया इथोपिया में पूर्ण लोकतंत्र बहाली के उद्देश्यों को धराशायी करती है। करंट अपडेट में आज इतना ही। कल मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।